वेलकम डीआई के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज जो डीआई मैंने लिया है ये ठीक दो दिन पहले इस लास्ट संडे को यानी 20 नवंबर 2016 जो आईबीपीएस मेन पीयू का एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड है। मैं ये कहना चाहता हूं और जो पहले से कहता चला आ रहा हूं कि प्रैक्टिस पेपर मत बनाइए। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनका एक विशेष नेचर होता है, वो आपका टैलेंट सर्च करते हैं, वो अपने ऑफिसर्स का चुनाव करने के लिए वो एग्जाम लेते हैं कि उसके ऑफिसर्स में वो एबिलिटी है या नहीं जो टेस्ट कर लिया जाए। अगर आपकी सब्जेक्ट पर विषय पर जानकारी है, साफ साफ जानकारी है, तो आप विद इन गिवन टाइम बना सकते हैं और सुंदर से बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है जो इस संडे को आया। मैं इस पर बहस करूंगा, बातचीत करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और दिखाऊंगा कि कितना सुंदर क्वेश्चन है। देखिए इसमें सब कुछ टेस्ट हो गया आपका, एनालिटिकल पावर से लेकर मैथमेटिकल एबिलिटी तक। तो आइए पहले मैं क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। There are five shops, P, Q, R, S and T, and they sell shops, five shops, and they sell two different items, item A and item B, item A and item B. अभी कुछ दिन पहले मैंने डीआई सॉल्व किया था, दो तरह के शर्ट्स, लिनन एंड कॉटन, बस उसी के जैसा है, लिनन एंड कॉटन, item A and item B. Following pie chart shows the total number of items sold by different shops in a particular month. Total number of items sold 500. समझ लीजिए जरा, ये जो five different shops हैं ये कुल मिलाकर 500 items sell करते हैं। दो तरह के item हैं, item 1 A and item 2 B. ये दो तरह के आइटम हैं, दोनों मिलाकर के कुल मिलाकर 500 सेल करते हैं और उसका ये परसेंटेज पाई डायग्राम है। मैं चाहता हूं कि जो पहली बार देख रहे हो वो भी सक्षम हो इसे बनाने में और उसके अंदर भी उनके अंदर भी विश्वास पैदा हो। पूरे 500 को 100% मान करके अगर हम लोग बात करें तो 18 शॉप ए सेल करता है, 16 शॉप बी सेल करता है, 20 शॉप आर सेल करता है, 22 शॉप एस सेल करता है और 24 शॉप टी सेल करता है, लेकिन 100 मान के अगर वो 500 तो 5 टाइम्स हो यानी 18% ऑफ 500 पी सेल करता है, इसका मतलब कितना हुआ 90। संख्या की दृष्टि से, नंबर की दृष्टि से 90 सेल करता है। और इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, 500 दिया हुआ है, अगर चाहे तो निकाल सकते हैं कि कोई विशेष स्पेशल पर्टिकुलर शॉप जैसे पी कुल कितने आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सेल करता है, तो 18% ऑफ 500 90 लाइक दैट। अब आपको समझ में आ गया। और ये भी जो बार बार बात होती है कि जो पूरा का पूरा वैल्यू है 500, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड ऑल टाइप ऑफ आइटम्स ए एंड बी टू टाइप्स यही है, टोटल इज 100% एंड टोटल इज 360 डिग्री, दे आर इक्विवेलेंट। आइए अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं जहां जहां जो जो जरूरत होगी उसके मुताबिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय शॉप एस। ये बिल्कुल सामान्य सिंपल सा क्वेश्चन है कि शॉप एस ने कुल कितना आइटम सेल किया उसका डिग्री में वैल्यू बताइए। तो एस कौन है, 22%। थोड़ा समझाने के लिए मैं बात करता हूं कि आप जरा देखिए कि ये जो 500 है ये टोटल है 100% और ये टोटल है 360 डिग्री, यही रिलेशनशिप है और 22% आपसे पूछा है। अगर नंबर पूछा है तो ये
और नंबर पूछा है तो ये, और डिग्री पूछा है तो ये, नंबर पूछा है तो ये, डिग्री पूछा है तो ये। और डिग्री कैसे निकलेगा मालूम? 20% 72, 2% 7.2, 79.2 डिग्री आंसर, सही नंबर। बोलेगा कैसे? बताता हूं कैसे, बताता हूं। ये मेथड जो बार बार हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ये तो आप समझ गए, ठीक है, इसे मिटाता हूं, ये रिलेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं, वो जमाना गया जबकि आप 22% ऑफ 360 डिग्री निकालते थे, वो जमाना गया। कि 22% ऑफ 360 डिग्री, यो वो जमाना गया, 22/100 इंटू 360, ये सब नहीं करते, ये सब नहीं करते, ठीक है। ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ 360 डिग्री, ये 22/100 इंटू 360, ये सब नहीं करते। तो फिर क्या करते, तो फिर क्या करते, तो फिर ये करते, ये करते कि 100% किसको बोलते हैं? 360 डिग्री को बोलते हैं। तो 10% किसको बोलेंगे? 36 डिग्री को बोलेंगे। और 1% किसको बोलेंगे? 3.6 डिग्री को बोलेंगे, डिग्री को बोलेंगे। हम लोग को 22% निकालना है, तो 10% तो मालूम है ना, 36, तो 20% क्या हुआ, 20% क्या हुआ, क्या हुआ, 72 डिग्री ना हुआ। और 2% क्या हुआ, 2% क्या हुआ, 2% क्या हुआ, 7.2 डिग्री नहीं हुआ। ऐड कर दिए तो 22% क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, 79.2 डिग्री ना हुआ। समझ में आया? आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय शॉप पी इज इक्वल टू 36% ऑफ द टोटल आइटम्स परचेज्ड बाय शॉप पी, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड आइटम्स ऑफ शॉप बी? शॉप पी क्वेश्चन क्या है कि पी ने सेल कितना किया उसका परसेंटेज है ना, और 500 में निकाल देंगे तो मालूम होगा कि टोटल जो 500 सेल हुआ उसमें पी ने कितना सेल किया, खरीदा कितना था, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। हर शॉप अलग अलग खरीदे होंगे, कुल मिला के सब बेचे होंगे, बिक्री 500 की हुई है, सेल 500 का हुआ है, और सेल का परसेंटेज दिया है, कितने कितने खरीदे, कितना अनसोल्ड रह गया, ये तो ग्राफ में नहीं है। ये तो अगर क्वेश्चन कहता है तो है, तो पी के बारे में कहा कि देखिए पी ने सेल का 18% ना, 500 का 18% ना, जो निकालेंगे उतना सेल किया, लेकिन खरीदा कितना था मालूम है? जितना खरीदा था उसका जो सेल किया वो 36% है, यानी पी ने जितना परचेस किया था उसका 36% ही सेल कर पाया, तो उसका मतलब 64% अनसोल्ड रह गया। सुनिए 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 सुनिए, अगर पी ने कुल 100% खरीदा होगा तो उसने सेल किया, सेल किया 36%, तो अनसोल्ड जो रह गया, अनसोल्ड तो 64% रह गया अनसोल्ड, और अनसोल्ड कितना है? तो जो सेल किया, जितना खरीदा 100%, उसका 64 अनसोल्ड है और उसका 36 सेल है, सेल किया, सोल्ड है। पर जो सेल किया वो क्या है? पूरा जो 500 है उसका 18% है। तो बोले सुनिए ना, 500 के बारे में बाद में बात करेंगे, 500 का ही, 500 को 100 मान के बात करते हैं, तो उसका तो 18 ही है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट टू 18%। ये कौन है? ये 100% परचेज को मान करके है इसके, और ये क्या है? 500 को 100% मान करके है।
ये उसने जितना खरीदा होगा उसको 100% मान करके एक स्केल है, और ये टोटल जो बिक्री हुई है सेल उसको 500 मान के 18% है। पर हमारे लिए सुंदर स्थिति है कि 36 को तो 18% कहते हैं, 64 को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाफ 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 32% कहेंगे। यानी यहां वाला जो 64% है, इसने जितना खरीदा था उसको 100 मान के जितना अनसोल्ड हुआ, जितनी बिक्री हुई 500 उसको 100 मान के 32% होता है। तो बस 32% ऑफ 500 इज द अनसोल्ड नंबर। निकालेंगे थोड़ा ढंग से, 32% ऑफ 1000 होता तो 320 होता, अब 500 तो 160 हुआ आंसर। समझ में आया नहीं आया, फिर एक बार बताऊं। देखिए ऐसा है कि थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, टोटल 500 सेल हुआ, उसका 18% लेंगे तो आएगा कि पी का पार्ट, पी का नंबर निकला। अब पी ने जितना खरीदा था ना, उसका उसका 36% ही बेच पाया, तो इसका 36% और इसका 18% बराबर है ना, तो इसके 36% को इसका 18% कहते हैं, तो इसके 64% को इसका 32% ना कहेंगे। 32% ऑफ 500 रिमेंस अनसोल्ड, 32% ऑफ 500 निकालने आना चाहिए, 32% ऑफ 1000 होता तो क्या होता, 320, तो उसका हाफ 500, उसका हाफ 160 आंसर। समझ में आया, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, तभी आप बहुत कम कैलकुलेशन करके निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ गए। आइए थर्ड क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय शॉप एस, सोल्ड बाय शॉप एस आर 10% मोर एंड बाय दैट ऑफ टी आर 20% मोर इन द नेक्स्ट मंथ, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय शॉप एस एंड टी टुगेदर नेक्स्ट मंथ इन द नेक्स्ट मंथ। थोड़ा समझिए, इन दो शॉप की चर्चा है एस एंड टी। एस एंड टी ने जब 500 सेल हुआ और उसमें जो जो पार्ट था 22% एंड 24% एस एंड टी का, तो उतना हम लोग निकाल दें अगर 500 को 22% मान के, तो मालूम होगा कि एस ने कितना सेल किया, और टी का भी निकाल दें 24% 500 का, तो मालूम होगा कि कितना उसने सेल किया, टोटल आइटम्स कितना सेल किया निकल जाएगा। मान लीजिए निकालेंगे, नहीं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर उसको मान के निकाले तो निकल जाएगा। फिर कहता है कि नेक्स्ट ईयर अगर एस का अगर 10% ज्यादा सेल हो, तो जो निकला उसका 10% ज्यादा, 10% निकाल के ऐड कर दीजिए, और टी उसका 20% ज्यादा हो अगले साल, तो जितना निकाले थे सेल हुआ था उसका 20% निकाल करके ऐड कर देंगे, तो नया सेल मालूम होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर। ये हमारा क्वेश्चन कहता है, बनाएंगे नहीं ऐसे। सुनिए 500 मान करके, हालांकि 500 अच्छा डाटा है, टेढ़ा भी हो सकता था, 500 मान के हम लोग नंबर निकाल सकते हैं, जरूरत ही नहीं है ना, 100 मान के बात करते हैं, क्यों कैलकुलेशन करें 500 का इतना परसेंट, 500 का इतना परसेंट, ना 100 तो 22% एस ने और 24% टी ने किया, बोलिए किया ना। तो अगर इसका 10% बढ़े तो 2.2 बढ़ेगा, तो 24.2 होगा, और इसका 20% बढ़े तो 4.8 बढ़ेगा, तो 28.4 बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा 2.4 तो 4.8 बढ़ेगा, यानी कुल मिला के 53% अगले ईयर होगा। इसका 500 का क्या होता है, 1000 का 530 होता है, तो 265 आंसर। नहीं आया समझ में, एक्सप्लेन करता हूं। पूरे को 100 मानते हुए एस जो है वो क्या है, 22% है, ठीक है, इसको 10% हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, तो 10% क्या हुआ 2.2, इसको ऐड कर देते हैं तो ये आएगा ना। और उसी तरह से टी का 100 मानते हुए, 500 नहीं मानते, 100 मानते हुए, और ये क्या है 24%, इसमें कितना इंक्रीज होता है 20% का मतलब क्या हुआ 4.8, और ये इंक्रीज होगी कितना होता है 28.8,
और ये ऐड कर दीजिए तो 53%, यानी इसको 100 मानते हुए इतना 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 इंक्रीज इंक्रीज वगैरह होते हुए अंत में 53% पूरे को 100 माने तो इनका पार्ट नेक्स्ट ईयर 53 होता है, पूरे को 500 माने तो क्या होता है 530 का हाफ 265 आंसर। समझ में आया? देखिए कैलकुलेशन सही ढंग से करने का क्या महत्व है। अगर क्वेश्चन को मैक्रो वे में ओवरऑल आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि करना क्या चाहिए। वो जैसे जैसे कहता है चलने के लिए नहीं चलूंगा भाई, 500 मान के कितना कितना सेल हुआ था अगले साल, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ, जोड़ दीजिए। काहे जोड़ दें भाई, क्यों जोड़ दें, रहने दीजिए ना। 100 आप तो दिए ही हैं, 22-24 तो दिए ही हुए हैं। अरे भाई ये 46% तो है ही है। अगर एक का 10% बड़ा दूसरे का 20% बड़ा ना होता ना, 10-10 होता तो सीधा हम लोग ऐड कर देते 46 और 4.6 ऐड कर देते। परसेंटेज अलग है इसलिए अलग अलग निकालना पड़ा, नहीं तो सीधा 4.6 ऐड कर देते, जरूरत ही नहीं थी। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हुआ 365। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो रियल क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के इस सेट का वही तो क्वेश्चन है, इसी में तो आपका स्किल चेक होता है। आइए, इफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम बी सोल्ड बाय शॉप क्यू एंड दैट ऑफ आर इक्वल, क्यू और आर ने बी टाइप के जो आइटम हैं वो बराबर बराबर सेल किए, ठीक, एंड द रेशियो बिटवीन द आइटम ए sold by shop Q and the item A sold by shop R is 2:3। यानी Q और R के बारे में बात हो रही है कि B आइटम जो है दोनों ने बराबर बराबर सेल किए, रेशियो नंबर का रेशियो सेम था 1:1, जबकि A टाइप जो आइटम है उसका रेशियो 2:3 था। Then find the total number of item A sold by शॉप क्यू एंड आर टूगेदर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ए टाइप जो आइटम है वो कुल मिलाकर के क्यू एंड आर ने कितना सेल किया, इसको यदि हम लिखें तो क्यू आर ये दोनों शॉप हैं। बी टाइप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए बी टाइप जो आइटम है वो 1:1 है और ए टाइप जो है 2:3। थोड़ा गौर कीजिए तो जितना पैसा यहां उतना पैसा यहां, अगर हम लोग फिर से जितना पैसा यहां उतना पैसा यहां कर देंगे तो बराबर ना हो जाएगा, बोलेंगे नहीं जितना ये उतना ये, ठीक है ठीक है ठीक है, और अगली बार थोड़ा इधर जा इधर कम दे दें इधर ज्यादा दे दें तो टोटल में डिफरेंस पैदा हुआ कि नहीं, बस खत्म। अगली बार रेशियो 2:3, इसका मतलब अगली बार ज्यादा दे दिए, कितना ज्यादा दिए 1, और ये टोटल 16% है और ये 20% है, डिफरेंस इज 4, 1% को 4% कहते हैं। तो अलग अलग 2, 3 क्यों निकालें, 5 को क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे, 1% मत बोलिए, 1 रेशियो सिस्टम में जो डिफरेंस है 1 को यदि 4% कहते हैं, 5 को क्या बोलेंगे, 20% बोलेंगे, 20% ऑफ 500 क्या हुआ 100 आंसर। जल्दी बोलिए 20% ऑफ 500 क्या हुआ 100 आंसर है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ है, नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं है, आपको नंबर ही नहीं दिखेगा। सोचिए यहां भी 200 यहां भी 200 कोई अंतर है, अगली बार यहां पर 100 दे दे यहां पर 50 दे दे और 50 रुपीज का डिफरेंस पैदा हो जाए टोटल सम में, पहली बार तो सेम था यानी सारा गड़बड़ दूसरी बार हुआ है। पहली बार दोनों सेम था, दूसरी बार का अंतर है। दूसरी बार हम लोग देखे ना रेशियो सिस्टम में 1 को क्या बोलते हैं, इसके मुताबिक अगर हम लोग को निकालना पड़ता तो 1 मीन्स 4% था तो 2 मीन्स 8%, अगर हम लोग को निकालना होता है क्वेश्चन बन चुका 8% होता और ये कितना होता 12% होता और ये कितना होता ये 8% और ये 8%। देखिए दोनों का सेम है कि नहीं, 8 8 16 है कि नहीं, 8 and 12 20 है कि नहीं, ये दोनों ने बराबर बराबर 8 8% सेल किया और उसके बाद दूसरी बार ये 8% के बजाय 12% सेल किया, कौन ए टाइप आइटम, इसीलिए 4% का गैप पैदा हुआ। ये मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए कहा था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन तो बस ऐसे ही बन गया, 1 means 4%, 5 means 20%, 20% of 500 is the answer. समझ में आया? अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर, तो पहले वाले का इसका आंसर क्या हो, 100. इफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम बी बी सोल्ड बाय all the shops together are 58% of the total items sold by all the shops को तो दोनों आइटम मिला के 100% बोले हैं, 500 100% बोले हैं, और उसका 58% बी वाला सेल हुआ, तो ठीक है, बाकी 42% ए वाला सेल हुआ, ठीक है, तो 58 और 42 का डिफरेंस क्या है, 16, दैट इज द डिफरेंस, 16% ऑफ 500 मींस 80 आंसर, नन ऑफ दीस 80 आंसर. लेकिन निकालते ऐसे नहीं है, निकालते कैसे हैं, 58% 50 से 8 ज्यादा, तो 8 कम, 16 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, और 16% ऑफ 500, अरे 1000 का 160 होता है ना, तो हाफ, अरे 16/5 नहीं आता क्या, इसमें क्या है, आइडिया तो सबको आता है. एग्जाम्स के पैटर्न लगता है कि बदल रहे हैं, पर कहां बदल रहे हैं, किसी सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है अगर वो आपको है तो कोई बदलाव नहीं है, पूछने के ढंग में बदलाव को बदलाव नहीं कहते, कोई भी मौलिक बदलाव नहीं है, इसलिए प्लीज शॉर्टकट रास्ता सक्सेस के लिए मत अपनाइए, पढ़िए, खूब पढ़िए, सब्जेक्ट को समझिए. हाँ, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से आपकी ऑब्जेक्टिविटी मेथड में जरूर होनी चाहिए, लेकिन मेहनत से कतराने की जरूरत नहीं है, यदि आप मेहनत करते जाते हैं सक्सेस आपका है, कोई आपको रोक नहीं सकता सक्सेस पाने से. ऑल द बेस्ट.